रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से महेंद्रगढ़ बैंक में ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन पंजाब नेशनल बैंक जोनल कार्यालय गुरुग्राम, मंडल कार्यालय रेबाड़ी और अग्रणी जिला कार्यालय महेंद्रगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बैंकिंग लोकपाल बीड़ा राणा, गैर बैंकिंग उप लोकपाल, उप अंचल प्रबंधक, रीजनल मैनेजर ने शिरकत की। वहीं बैंकिंग लोकपाल बीड़ा राणा ने ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम में सम्मानित ग्राहकों को संबोधित करते हुए कहा, बैंक से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए बैंकिंग लोकपाल नियुक्त किए जाते हैं। इसके माध्यम से बैंक से जुड़े शिकायतों का तुरंत निपटान किया जा सकता है। उन सभी में कस्टमर को बुलाया गया, उनकी मीटिंग की गई, उसके बारे में उनको जागरूकता पर दी गई। उसके अलावा कुछ इनको बताने के लिए कुछ जो मीडिया मतलब में हम इनको देंगे और साथ में अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन वो भेजेंगे, बुकलेट्स भी तैयार की गई हैं, क्या क्या सर्विसेज हम देते हैं डिजिटल बैंकिंग के बारे में, कुछ मिस हैपनिंग हो जाए उसको कैसे हमने इमीडिएटली ख़त्म करवाना है, ताकि आगे अकाउंट उनका भी ब्लॉक रहे और आगे जो फंड्स ट्रैवल होकर डिफरेंट बैंक में गए हैं कि वहाँ भी हम फ्रीज करवा दें फंड, ताकि उनके टाइमली फंड्स वापस आ जाएं। पंजाब नेशनल बैंक में इसका अलग हमारा साइबर क्राइम सेल भी बना हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग लोकपाल कार्यालय 2 न्यू दिल्ली की तरफ से, जिनका ज्यूरिसडिक्शन पड़ता है एनसीआर और हरियाणा, उन्होंने पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलकर एक ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम किया, जिसका नाम था टाउन हॉल कार्यक्रम, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के ग्राहक, जैसे पेंशनर्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले हैं और जनधन अकाउंट वाले ग्राहक हैं, इन सबको बुलाया यहाँ पे और इनके साथ शेयर किया कि बैंक